नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन प्लान के बारे में। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच में बीजेपी ने एक नया चाल चला है। बिहार में दो सीटों के लिए होने वाले एमएलसी के उपचुनाव के लिए एक सीट पर बीजेपी ने केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे शाहनवाज हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी बिहार की राजनीति में एक मुस्लिम व्यक्ति को क्यों सक्रिय कर रही है। ऐसे में राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी शाहनवाज हुसैन के सहारे दूर की सोच रही है। इसमें बीजेपी को फायदा यह होगा कि प्रदेश में बीजेपी को एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। इसके बाद बीजेपी शाहनवाज के सहारे मुस्लिमों पर भी अपनी पैठ बनाना शुरू कर देगा। इसके बाद से सबसे ज्यादा परेशानी नीतीश कुमार को होगी, क्योंकि बिहार में बीजेपी मुस्लिमों के विरोध में बोलती रही है। इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को और ओवैसी की पार्टी को मिलता रहा है। ऐसे में बिहार बीजेपी में शाहनवाज हुसैन का आना बिहार बीजेपी के लिए और बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भागलपुर के पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की सीट पर बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा सदस्य बनाया गया है, जिसके बाद से यह सीट खाली हुई थी। वहीं एक और सीट पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को टिकट मिला है। शाहनवाज हुसैन साल 2014 में भागलपुर लोकसभा सीट पर जदयू के उम्मीदवार से हार मिली थी। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन अब पार्टी ने बिहार विधान परिषद के रास्ते सदन में भेजा है। शाहनवाज हुसैन के बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाने के बाद से बीजेपी को काफी फायदा होगा। इससे बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम वोट बैंक में होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से नहीं खड़ा किए गए थे। इसके बाद से विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही थी। ऐसे में बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाकर उसकी भरपाई की है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी बिहार में युवा भरोसेमंद नेताओं की एक फौज तैयार कर रही है, जिसमें शाहनवाज हुसैन एक हुनरमंद नेता है। शाहनवाज हुसैन के बिहार आने के पीछे के कारणों को देखें तो इसमें बिहार विधानसभा चुनाव एक बड़ा कारण है, जिसमें कोसी क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर अपनी जीत पक्की की थी। आपको बता दें कि यह सीट कभी कांग्रेस और राजद के खाते में होती थी, लेकिन अब इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी शाहनवाज हुसैन के भरोसे सीमांचल के इलाके में, या हम कहें कि मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी अपनी पैठ बनाना चाह रही है। शाहनवाज हुसैन के बिहार में आने के सबसे ज्यादा नुकसान जदयू और राजद को उठाना पड़ सकता है। हालांकि राजद जदयू के नुकसान से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है, लेकिन यह फायदा बीजेपी सीधे अपने हिस्से में लेना चाह रही है। बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को पार्टी में कश्मीर के बीडीसी चुनाव में मिली जीत का इनाम दिया है। आपको बता दें कि कश्मीर के हुसैन घाटी में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन मुस्लिमों के बीच में एक चेहरा बनकर उभरे हैं, जो कि बीजेपी और मुस्लिमों के बीच में बनी खाई को पाटने का काम कर रहे हैं। अगर शाहनवाज हुसैन का जादू कश्मीर की तरह बिहार में चला तो सीमांचल के इलाके में जदयू, राजद और AIMI के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।